Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Educators Alkaline Campus online classes, day 5th for the grade 7. Students, we are working on chapter 6, direct and indirect variation. Topic of the day is inverse variation. Okay, students, now we will move toward a new topic today. इससे पहले हमने डिस्कस किया था डायरेक्ट वेरिएशन को, ठीक है, और हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, होप्स ऑफ करके टास्क आपने कंप्लीट कर लिया होगा ऑन द टाइम, सो दैट वी मे मूव फर्दर टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज इनवर्स वेरिएशन. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द टॉपिक. द टॉपिक इज इनवर्स वेरिएशन. इट मीन्स व्हेन एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू डिक्रीज इन एन अदर क्वांटिटी. Listen students carefully. When an increase in one quantity leads to decrease in another quantity, ठीक है, जब हम किसी एक चीज की क्वांटिटी में को इंक्रीज करते हैं और ये इस क्वांटिटी में इंक्रीज जो है दूसरी क्वांटिटी में डिक्रीज लेकर आए, कमी लेकर आए, और या फिर when a decrease in one quantity एक चीज की क्वांटिटी में कमी की वजह से leads to increase in other quantity, दूसरी क्वांटिटी में इजाफा हो, इट इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन. इससे क्या होगा, ये क्या कहलाएगी, इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, आई एम गोइंग टू रीड द कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स. इनवर्स मीन्स इसको हम उर्दू में क्या बोले, हम इसको उल्ट बोलते हैं, ठीक है, ऑपोजिट बोलते हैं इंग्लिश में. ठीक है, तो यहां पर चेंज जो आएगा वो ऑपोजिट आएगा. ठीक है, मैंने क्या बताया अभी कि अगर एक चीज की क्वांटिटी में इजाफे की वजह से दूसरी चीज की क्वांटिटी में कमी आए, मींस ऑपोजिट हो रही है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ऑपोजिट हो रहा है, और एक चीज में कमी की वजह से दूसरी चीज में इजाफा आए, तो ये चेंज क्या कहलाता है, इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, दिस चेंज इज कॉल्ड इनवर्स वेरिएशन. ओके, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड क्लियरली दिस कॉन्सेप्ट. द फर्स्ट एग्जाम्पल इज द नंबर ऑफ मैन एंड डेज रिक्वायर्ड टू कम्प्लीट इट. It's very interesting example. Your concentrations are required, student. The number of men and the days required to complete it. कहाँ ये जा रहा है? अगर आपने किसी टास्क को कंप्लीट करना है तो उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए जितने मैन आप लगाएंगे उनका जो लिंक है काम के साथ वो क्या कहलाएगा, इनवर्स. ओके, हाउ इज इट पॉसिबल, लेट्स हैव एग्जाम्पल टू बिल्ड अ वॉल. हमने एक वॉल बिल्ड करनी है, ठीक है, हमने टू लेबर्स को हायर किया और उन टू लेबर्स हमें ये कहा कि इट विल टेक ऑलमोस्ट 3 days टू कम्प्लीट अ वॉल. ठीक है, इट विल टेक 3 days टू कम्प्लीट अ वॉल, लेकिन हम कहते हैं नहीं, हमें ये वॉल जल्दी बिल्ड करवाना है. ठीक है, जल्दी बिल्ड करवानी है, हम क्या करेंगे, टू लेबर्स को क्या 5 labors कर देंगे. हमने क्या किया, लेबर्स में इजाफा किया. ठीक है, जहां टू मैन काम कर रहे थे हम कहते हैं 5 men अगर हम वहां पर दे दें तो वॉल कितने कब तक बिल्ड होगी, देन दे विल से विदिन द 1 day. ओके, अगर 2 मजदूर काम करें तो वॉल बिल्ड होगी 3 दिनों में, लेकिन अगर 5 मजदूर काम करें तो वॉल बिल्ड होगी 1 day में. इट मीन्स एक चीज की क्वांटिटी में दूसरी चीज की क्वांटिटी में कमी आएगी, एक चीज की क्वांटिटी के में इंक्रीज की वजह से दूसरी चीज की क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी. ये प्रपोर्शन में आएगा इनवर्स वेरिएशन. ओके, होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट. नाउ लुक एट द अदर एग्जांपल, द नंबर ऑफ पाइप्स एंड द टाइम टू फिल द टैंक. ठीक है, हम एग्जांपल लेते हैं, हमने एक टैंक फिल करना है, वाटर टैंक. ठीक है, कहा ये जा रहा है जितने जल्दी जितने ज्यादा पाइप्स लगाएंगे टैंक जल्दी फिल होगा. इज इट सो, एग्जैक्टली इट इज द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, आप जितने पाइप्स लगाएंगे, फॉर एग्जाम्पल हम 3 पाइप्स के साथ एक टैंक फिल करते हैं, मे बी इट विल टेक ऑलमोस्ट सपोज 5 hours. ठीक है, अगर हम 3 pipes लगाते हैं तो 10 फिल हो गया है 5 hours में, लेकिन अगर हम 3 pipes की मिकदार को 6 कर दें, ठीक है, अगर हम 6 pipes लगाते हैं तो टैंक फिल हो जाएगा विद इन मिनिमम टाइम. तो पाइप्स की क्वांटिटी बढ़ाने से जो टाइम लगेगा टैंक को फिल होने में वो जल्दी हो जाएगा फिल. सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ इनवर्स वेरिएशन. होप स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट. नाउ मूव ऑन टू द बुक पेज नंबर 84. ओपन योर मैथ्स बुक एंड गो टू द पेज नंबर 84. फ्रॉम योर मैथ्स बुक एंड द पेज नंबर 84 आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 9. ठीक है, रीड विद मी द स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 9. इफ 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days, इफ 6 men
कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. मैन है हमारे पास अभी तक का जो डाटा हमें समझ में आया है और साथ में डेज गिवन है. हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी इंगेज, सॉरी हाउ लॉन्ग विल 24 मैन टेक टू कंप्लीट अ जॉब. ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करती हूँ स्टेटमेंट. इफ 8 मैन कैन डू अ जॉब इन 12 डेज, हाउ लॉन्ग विल 24 मैन टेक टू कंप्लीट इट. अगर तो 8 लोग मिलकर एक जॉब को कंप्लीट करते हैं, वो 12 डेज में भी जॉब कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा 24 मैन को वही टास्क कंप्लीट करने में. सो द प्रोपोर्शन इज इनवर्स, क्योंकि अगर 12 डेज हो तो 8 मैन टास्क कंप्लीट करते हैं, हमने नंबर ऑफ मैन को इंक्रीज कर दिया. यहाँ पर 24 मैन हो गए, इट मीन्स वो कम दिनों में अपना टास्क कंप्लीट कर लेंगे. सो द प्रोपोर्शन इज इनवर्स. ओके, नाउ सॉल्व दिस क्वेश्चन. Proportion is inverse. 8 over 24 is equal to 12 over x. But here is a little bit trick to solve this question. Students, we will do cross multiplication. But before we cross multiply, we will need to invert the columns with the unknown value. क्योंकि हम इनवर्स वेरिएशन के कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं. जब हम इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो वो वाला कॉलम जिसमें एक्स लिखा हुआ है, ठीक है, कॉलम विद द हैविंग एक्स, हम उसको इन्वर्ट कर देंगे. कब करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से पहले. यहाँ पर मैंने ये फिगर्स लिखी हैं 12 ओवर एक्स, लेकिन अब हम इसको क्या करेंगे, एक्स ओवर 12. ऐसा क्यों करेंगे? बिकॉज दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन. ठीक है, बिकॉज दिस इज एन इनवर्स वेरिएशन. Now 24 will be multiplied by x and 8 will be multiplied by 12. 24x is equal to 12 multiplied by 8. We have to find out the value of x. As you can see this, we have to find out the value of x. X is equal to 12 multiplied by 8. 24 is being multiplied with x, and if it will be shifted towards the other side, it will be divided. X is equal to 12 multiplied by 8 is equal to over 24. So x is equal to 4 days. This is the answer. ठीक है, अब अपने कॉन्सेप्ट को दोबारा रिकॉल करें. 8 लोग अगर काम कर रहे हो तो 12 दिनों में काम कंप्लीट करेंगे. हमने ये देखा कि अगर 24 मैन काम कर रहे हैं तो कितने दिनों में कंप्लीट करेंगे. हमने लिखा भी कि ये प्रोपोर्शन इनवर्स है. Yes, it has been proved that this is the case of inverse proportion. ज्यादा लोग काम करेंगे तो कम दिनों में काम कंप्लीट होगा. ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि आप खुद सोल्व करेंगे. आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द स्टेटमेंट फॉर यू. क्वेश्चन नंबर 10 इज, इफ 6 मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज. यहां पर भी हमें मैन और डेज का डाटा गिवन है. अगर 6 लोग जो है वो काम कर रहे हो 20 दिनों में, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, हाउ मेनी एक्स्ट्रा मैन शुड बी इंगेज. हमें कितने ज्यादा और आदमी लगाना होंगे काम पर टू डू द जॉब इन 15 डेज. ठीक है, पहले 6 पीपल काम कर रहे थे और 20 डेज उनको गिवन थे, लेकिन अब हम चाह रहे हैं काम जल्दी खत्म हो. 20 से मूव करके हम 15 डेज पे, जाहिर सी बात है अगर हम काम जल्दी लेना चाह रहे हैं तो हमें फिर नंबर ऑफ मैन को बढ़ाना होगा. यहाँ पर डेज में कमी आ गई है तो यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा. दैट विल बी द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. सो आई होप नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. थैंक यू सो मच स्टूडेंट, मस्ट डू दिस क्वेश्चन एंड प्रैक्टिस द केस ऑफ इनवर्स वेरिएशन. Stay home, stay safe, Allah Hafiz.